यूपी के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र ने ग्राम भरतौल में खाद्य विभाग द्वारा बनाए गए देश के अन्नपूर्णा सुपरमार्केट का निरीक्षण किया। ये मार्केट अपने अद्वितीय और प्रामुख्यता से देश भर में मशहूर हो चुका है। सुपरमार्केट में एक अन्नपूर्णा सेंटर भी स्थापित किया गया है, जहां नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं में पंजीकरण कराने की सुविधा CHC के तहत दी जाएगी। इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा कि अन्नपूर्णा शॉप बनाने से राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी और साथ ही अनाज के साथ साथ इस दुकान पर जो CHC की सुविधा मिल रही है वो लोगों के लिए योजनाओं का लाभ पाने की राह को आसान करेगी। उन्होंने सरकार के कार्यों की काफ़ी सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार सुशासन की सरकार है। प्रदेश की सरकार बिना भेदभाव देश की जनता के लिए काम कर रही है। लोग उपलब्ध नहीं होता था, पब्लिक के व्यू में नहीं रहता था, तो अब उसकी जगह पे एक नया मॉडल ये ट्राई किया गया कि हम क्यों नहीं एक ऐसी दुकान बना दें जिस दुकान को कोई भी आदमी को मालूम है कि यहीं पे हमारी दुकान है। ऐसा नहीं कि अगर हमारा कोटेदार बदल जाएगा तो फिर वो दुकान बदल जाएगी। पहले होता था कि कोटेदार बदला तो उसके घर पर एक आदमी या दूसरे आदमी चला गया, उसी गाँव का दूसरे मोहल्ले में चला गया, तो लोगों को कन्फ्यूज़न होता था। अब एक पक्की दुकान बन गई कि पूरे गांव की ये कोटे की दुकान है। दूसरा, अब इसका रखने का साफ़ सुथरा जगह हो गया, लोग आएंगे तो उनको आने वाले समय में यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था उनको मिल गई। इसके साथ ही साथ ये CSC का भी काम कर रहा है, CSC का भी सारी सुविधा जो है उनको उनको जो जन्म प्रमाण पत्र देना है, उनको मृत्यु प्रमाण पत्र देना है, उन्हें जो है उनका निवास प्रमाण पत्र देना है, उनकी आय प्रमाण पत्र, बहुत सारी जो हमको जो तमाम रिक्वायरमेंट होती है उसका भी ये काम देना चालू। साथ ही साथ इसमें जो है जो आदमी की और ज़रूरतें होती हैं एक कंज्यूमर की, जैसे कि आप सुपरमार्केट में सुपर मॉल में आप जाते हैं तो बहुत सारी और चीज़ें, केवल जो राशन खरीदने आ रहा है तो उसको गेहूँ और चावल तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ साथ और ज़रूरतें तो उन ज़रूरतों को भी यहाँ इजाज़त दी गई। तो इससे एक वन स्टॉप सोल्यूशन गाँव में एक जगह पर सारा सारा चीज़ मिल गया। जैसे बताया जा रहा है पूरे प्रदेश में लगाया जा रहा है। पहले तो आपके जनपद में ही जो हमारे सारे विकासखंड हैं, हर विकासखंड में एक एक बनेगा। उसके बाद ये बाकी जनपदों को भी कहा गया कि वो भी अपने इस प्रकार के अन्नपूर्णा मॉडल का देख कर, ये इस मॉडल से करने से जो एडवांटेज है अब इसको करके पब्लिक इतने कितना एक्सेप्ट करती है थोड़े दिनों के भीतर अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि लोग जब इसको एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ तो देखिए कि एक मॉडल गाँव के जैसे है, मैंने देखा सड़क भी बहुत अच्छी है, वहाँ नाले भी बने हुए हैं।